गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजकुमार। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑन मैथ क्लासेस माय यूट्यूब चैनल आर के मैथ क्लास मंडावा। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, उसमें जो मुख्य मुख्य जो फॉर्मूले, पहले मैं आपको नोट करवा दूँ। सबसे पहले आपका आता है स्क्वायर। देखो, स्क्वायर फाइंड करने के कुल 5 फॉर्मूले होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इनमें सबसे पहला फॉर्मूला होता है आपका संकलन व्यंकलन मेथड। इसका दूसरा नाम होता है इष्ट संख्या मेथड, जो क्या होता है, नंबर प्लस डेविएशन इंटू नंबर माइनस डेविएशन प्लस डेविएज का स्क्वायर। ये स्क्वायर फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया इसका। सेकेंड इसमें आपका आता है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण वाला। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण में क्या होता है, स्क्वायर इक्वल टेंस इंटू टेंस प्लस वन इंटू यूनिट स्क्वायर होता है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड आता है इसमें सूत्र निखिलम यावदुनम तावदुनम मेथड। अब इसमें क्या होता है, स्क्वायर इक्वल क्या था मेरे पास, सब बेस डिजिट अगर है तो आएगी, फिर नंबर प्लस डेविएशन ओब्लिक डेविएशन का स्क्वायर आएगा। उसके बाद में उप सूत्र अनुरूपेण जो मेथड है उसमें क्या होता है, इसमें पहले मेरे पास आएगा टेंस का स्क्वायर, फिर ओब्लिक टू इंटू टेंस इंटू यूनिट्स और ओब्लिक यूनिट का स्क्वायर। ये क्या होगा, इसका स्क्वायर फाइंड करने का फॉर्मूला। अब जो पाँचवा मेथड है वो आपको ध्यान रखना, कौन सा होता है, वो होता है द्वंद्व योगा मेथड। इससे स्क्वायर का मान होता है डी ऑफ ए डी ऑफ ए बी, या डी का मतलब द्वंद्व है, ठीक है ना, द्वंद्व ऑफ ए, द्वंद्व ऑफ ए बी, द्वंद्व ऑफ ए बी सी, द्वंद्व ऑफ बी सी और द्वंद्व ऑफ ए सी। और इसके लिए आप देखो, ये मैंने आपको एक 3 डिजिट के नंबर का बताया है, यानी ए बी सी का। ए बी सी का जब आपको क्या निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो, तो आप इस तरह से फाइंड करोगे। अब जहाँ पर आपको देखो याद रखना है, वेहर जो ए ऑफ डी है ना, यानी डी ऑफ जो ए होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। फिर द्वंद्व ऑफ जो ए बी है वो क्या होता है, 2AB होता है। फिर जो डी ऑफ ए बी सी होता है वो क्या होता है, 2AC प्लस बी स्क्वायर। फिर जो आपका डी ऑफ जो ए बी सी डी अगर मालूम 4 डिजिट है तो क्या आएगा, 2AD प्लस 2BC। तो ये आप इसके हिसाब से जो द्वंद्व योगा मेथड है उसका फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट तो आपका इसमें आता है अगला, जो क्यूब फाइंड करने के कुल 3 मेथड हैं। तो देखिए, वो 3 मेथड कौन कौन से हैं, क्यूब फाइंड करने के 3 मेथड। देखो, उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो क्यूब फाइंड करने के 3 फॉर्मूले हैं वो ध्यान रखने हैं आपको। एक तो मेथड होता है आपका सूत्र निखिलम मेथड, उसे क्यूब कैसे निकालते हैं, सब बेस डिजिट का स्क्वायर ब्रैकेट नंबर प्लस डेविएशन इंटू 2 ओब्लिक सब बेस डिजिट इंटू 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर ओब्लिक डेविएशन का क्यूब। उसके बाद में बात करें किसकी, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण की। इसमें आता है मेरे पास क्यूब इक्वल फिर टेंस का स्क्वायर इंटू 10 प्लस 1 फिर टेंस का स्क्वायर इंटू डेविएशन ओब्लिक 3 इंटू टेंस इंटू यूनिट स्क्वायर यूनिट का क्यूब आता है। उस जहाँ पर आपका जो डेविएशन कैसे निकला, इसमें 3 इंटू यूनिट नंबर माइनस 10, यहाँ पर यू का मतलब यूनिट नंबर है, टी का मतलब टेंस नंबर है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट आपका आता है उपसूत्र अनुरूपेणा मेथड। इसमें क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका टेंस का क्यूब और बाद में 3 इंटू टेंस का स्क्वायर इंटू यूनिट नंबर ओब्लिक 3 इंटू टेंस इंटू यूनिट स्क्वायर और यूनिट का क्यूब। ये आपको ध्यान में रखना है। ये थे आपके क्यूब करने के कुछ फॉर्मूले। उसके बाद देखिए, अगर आपके पास कोई भी अल्जेब्रिक इक्वेशन आती है तो उस अल्जेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं वो देखिए आप। तो देखो, अब कुछ अल्जेब्रिक इक्वेशन है उनको देखो सोल्व करने के कुछ फॉर्मूले होते हैं, जिसमें इसमें हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। इफ ए एक्स प्लस बी इक्वल सी एक्स प्लस डी की कंडीशन आई आपके पास, जहाँ पर एक्स वेरिएबल है और ए बी सी डी क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो इसमें एक्स को सोल्व करने पड़ना होता है आपका डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, ठीक है। और सेकेंड जो फॉर्मूला होता है आपका, यदि आपके पास ये कंडीशन आए इफ ए एक्स प्लस बी अपॉन पी इक्वल सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाना आपको, पहले आप देखो यहाँ पर ये डी बी ए सी आप डायरेक्ट सेम लिख दोगे यहाँ पर, फिर पी क्यू फिर क्यू पी या लगा दो माइनस, तो डी पी माइनस पी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस ए सी पी, ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। थर्ड अगर हम बात करें तो इसमें आता है मेरे पास इफ, यानी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी इक्वल एक्स प्लस सी और एक्स प्लस डी आई, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास इसमें एक्स को सोल्व करने का फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप इसमें फोर्थ पार्ट की बात करें तो आपके पास मान लो अगर ये कंडीशन आए इफ
एम अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस एन अपॉन एक्स प्लस बी इक्वल जीरो आई, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है एक्स इक्वल माइनस में एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये चार तो हो गया आपके अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के फॉर्मूले। अब देखो इसमें आपको क्या रखना है ध्यान में, छः देखो इसकी आइडेंटिटी होती है, और वो छः आइडेंटिटी कौन कौन सी है उनको आपको मैं जिस फ्लो में लिखा रहा हूँ उसी फ्लो में आपको उनको लर्न करना है। तो देखिए वो सिक्स आइडेंटिटी आपके पास कौन कौन सी है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं फर्स्ट आइडेंटिटी की, यानी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फर्स्ट आइडेंटिटी। अब देखो फर्स्ट आइडेंटिटी में क्या होता है, इफ कॉन्स्टेंट, और इसको आप इंडिपेंडेंट टर्म बोल सकते हो, इंडिपेंडेंट टर्म, इन डिपेंडेड टर्म आर इज सेम इन बोथ साइड्स देन इंडिपेंडेंट टर्म विल बी जीरो। अगर दोनों साइडों में कोई भी इंडिपेंडेंट टर्म आ रहा है LHS और RHS में, तो वहां पर आपका इंडिपेंडेंट टर्म है उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, सेकंड आइडेंटिटी। इसमें लिखना आपको इफ ए कॉमन डिफरेंस आर या कॉमन फैक्टर आर या इज कॉमन फैक्टर इज सेम इन ऑल टर्म्स ऑफ ए इक्वेशन देन कॉमन फैक्टर विल बी जीरो। अब देखो इनको यूज कैसे लेना है, जब मैं आपको ये एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा तब आपको बिल्कुल पूरा सिखा दूंगा कि इनको यूज कैसे लेना है। फिलहाल एक बार आप इनको अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिए। थर्ड होता बाद में देखो, इफ न्यूमरेटर आर सेम इन ईच टर्म ऑफ LHS एंड RHS इज जीरो देन सम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन विल बी जीरो। तो उसका सम ऑफ डिनोमिनेटर क्या होता है, जीरो होता है। फोर्थ रूल देखिए बाद में, इफ न्यूमरेटर आर सेम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ ए इक्वेशन इन LHS एंड RHS एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर आर इक्वल इन बोथ साइड्स देन सम ऑफ डिनोमिनेटर विल बी जीरो। ये रूल आपको इसमें याद रखना है। अब उसके बाद देखो पांचवा टर्म है, और पांचवे रूल में आपको क्या करना है, देखो ये पांचवा छठा देखो रूल में आपको उधर लिखा देता हूँ, इनको देखो मैं एक बार वापस मिटा रहा हूँ, तो इनको आप नोट कर लो। पांचवा और छठा देखो आगे इसमें लिखना है, इफ सम ऑफ न्यूमरेटर इन LHS एंड RHS एंड सम ऑफ
डेनोमिनेटर ऑफ बोथ टर्म्स आर इक्वल और सेम रेशियो देन सम ऑफ न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर विल बी जीरो ही आपको याद रखना है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका है रूल नंबर 6। इसमें आपको याद रखना है इफ डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ LHS इज इक्वल डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ RHS और सेम रेशियो देन डिफरेंस विल बी जीरो ये आपको नियम नंबर जो 6 है उसको ध्यान में रखना है। तो ये आपके कुल 6 नियम है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखो जो हमारी जो एक्सरसाइज है फर्स्ट की उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए आप एक्सरसाइज 1.1 देखो सबसे पहले आप क्या पढ़ रहे हैं शून्यत मेथड से ऐड करना सीख रहे हैं यानी 22 शून्यत मेथड। अब देखिए इसमें क्या करना होता है। अब सबसे पहले मान लो हम इसको कर रहे हैं तो इसमें क्या करना आपको देखो यहाँ पर ये 22 नंबर लेने साथ 73 17 को 2 का साथ लिया आपने इनको ऐड करो भी एक बार आप तो मेरे पास आ रहा है 3 143 आ रहा है तो 100 से ऊपर नंबर आ गया ना। 100 से ऊपर आते ही जो आपकी कैरी एक है वो कैरी आपको कहाँ बैठा देनी है वो कैरी आपको आपने 70 तक लिया तो इस नंबर के ऊपर आप वो एक कैरी बैठा दो। अब मेरे पास क्या बचा 43। अब 43 में क्या ऐड करना आपको आगे 54 आ रहा है ये ऐड करो तो 79 अभी 100 नहीं हुआ ना फिर आपने आगे क्या ऐड किया 89 को ऐड किया तो 16 कैरी बना रही अभी 186 तो 100 से ऊपर होती है आपके यहाँ पर क्या आ जाएगी कैरी आ जाएगी और मेरे पास बचा 86 प्लस अब इसमें जोड़ना आपको 75 तो 11 कैरी 161 आ रहा है तो 100 से ऊपर होते यहाँ पर क्या देगी एक कैरी आ जाएगी। अब मेरे पास क्या बचा यहाँ पर 61 इसमें आपको जोड़ना है कितना 01 तो ये आएगा 62 तो यहाँ पर आप लिखोगे 62। ठीक है स्टेप फर्स्ट हो गई कम्प्लीट। ये आपको सब दिखाने की आवश्यकता नहीं है ये केवल आपको समझाने के लिए है। अब देखो नेक्स्ट आगे फिर से आपको टोटल डिजिट ले लेने काम में 78 प्लस अब ये 85 हो गया 84 नहीं ये 85 इनको ऐड करो 13 कैरी बना रही अभी और 16 तो मेरे पास क्या आ गया है 163 आ गए हैं। और अब देखिए इसमें जो कैरी आ गया 100 से ऊपर आती है आपकी जो कैरी है वो आप यहाँ लगा दोगे इसके ऊपर 5 के ऊपर अब बचा कितना 63 बचा। अब 63 में क्या ऐड करना आपको ये 60 ऐड करना है तो जैसे आप इस कार्ड को 11 कैरी बना रही अभी तो 131 100 हो गया फिर से तो यहाँ लगा था फिर से एक कैरी और बचा मेरे पास कितना 31। अब 31 में ऐड करना आपको 33 जो ये कैरी ऐड होगी इसमें तो आ रहा है 4 और 6 64 आ रहा है अभी 100 हुआ नहीं है तो चलो आप आगे अब इसमें आप ऐड करो कितना 31 तो आ रहा है 95 आ रहा है अभी 100 नहीं हुआ है तो 95 में फिर से क्या ऐड करना पड़ेगा आपको 54 ऐड करते मेरे पास क्या आएगा 9 और यहाँ पर आएगा 149 100 हो गया ना 100 होते ही आपकी आखिरी आ जाएगी इसके ऊपर और जो 49 है वो आपका आ जाएगा यहाँ पर। स्टेप 2 कंप्लीट होगी। अब देखो स्टेप 3 आ गई। स्टेप 3 का मतलब होता है कि मेरे पास पहले तो आ रहा है 83 इसमें आपको ऐड करना है कितना 66 ऐड करना है क्योंकि एक बढ़ गया ना इसके अंदर अभी हो गया 9 और ये हो गया कितना 149 आ गई ये तो
अब 149 तो इसमें आपका 150 से ऊपर आते हैं, यहाँ पर आप जीरो लिख के इसके ऊपर एक कैरी बिठा दो, ये कैरी आ गई। अब मेरे पास आया 49, 49 में आपको क्या ऐड करना है, 75 ऐड करना है, तो ये आ रहा है 14 कैरी 1 और 12 और 124 हो गया। ये 124 होते थे वो फिर से आपकी यहाँ पर क्या देगी, एक कैरी आ जाएगी, ये आपने कैरी उठा दी यहाँ पर, वो बचा 24। अब 24 में ऐड करना आपको 98, तो आ जाएगा मेरे पास 722 आ रहा है। फिर से आपके पास 100 से ऊपर होते क्या आ गया, यहाँ पर एक कैरी आ गई है और कैरी आते हैं बचा कितना पास 22। अब आपने ऐड किया 49 को, तो आ रहा है 11 कैरी 1, 71 हो गई है। अभी 100 हुआ नहीं है, 100 नहीं हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आगे फिर से 57 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 57 हो गया नहीं, ये अभी आ रहा है 8 और ये मेरे पास कितने हो गए, 128 हो गए। 128 होते ही इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू है उसमें एक कैरी बैठा दिया आपने और जो 28 है वो आपका आ गया यहाँ पर। अब इन सबको ऐड करो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, ये 4 आ रहा है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवा दिया है और ये जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, ये आपको करना है और हम 1.1 उसको पढ़ रहे हैं, तो 2 आपको करना है और फर्स्ट का मैंने आपको करवा दिया है। अब आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये सब आपको इसमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल रफ वर्क आपका, इसको आप दिखाना चाहो तो दिखाओ, नहीं दिखाओ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये था आपका कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट। अब 2 का आपको करना है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, अब आप क्या सीख रहे हैं, जो सबट्रैक्शन है वो सीख रहे हैं। तो देखो सबट्रैक्शन में क्या याद रखना आपको, यहाँ पर आपको तो बेस्ट फ्रेंड वाली बात रखनी है। बेस्ट फ्रेंड जो होता है हमेशा वो क्या निकलेगा आपका, 10 के माध्यम से बेस्ट फ्रेंड है वो निकालना है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले देखो क्या 6 में से 7 लेस हो रहा है क्या, नहीं हो सकता ना, 6 छोटा नंबर आपका, तो आपको क्या करना है 7 का जो बेस्ट फ्रेंड है वो ढूंढना क्या होता है, 7 का बेस्ट फ्रेंड कैसे निकलेगा, 10 में से इसको लेस करो कितना बचा 3। अब ये 3 आपको क्या करना है, इस ऊपर वाले में ऐड करना है, तो कितने हो गए यहाँ पर 9 हो गए, ठीक आगे बात समझे। अब देखो इसमें बेस्ट फ्रेंड की शर्त लगाते ही इस आगे वाले में एक बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो 6 का यहाँ पर क्या हो गया, अब आगे 7 हो गया। अब मतलब आपको क्या करना है, अब आपको 5 में से 7 लेस करना है, तो लेस होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर से, ये 7 है इसका बेस्ट फ्रेंड दिया आपने, इसका बेस्ट फ्रेंड भी क्या हो गया 3 हो गया। अब उस 3 को आपको वापस क्या करना है, इस ऊपर वाले में ऐड करना है, 5 में कितने हो गए 8 हो गए। अब यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, इसमें फिर से क्या हो गया, एक बढ़ गया है, 5 हो गया ये। अब 3 में से 5 लेस नहीं होता है ना, तो 5 का फिर से माना आपने बेस्ट फ्रेंड, तो क्या आ गया 5। अब 5 को आपने वापस क्या कर दिया 3 में ऐड किया, तो कितने हो गए 8 हो गए। और ऐड करते यहाँ पर भी फिर से इसमें क्या हो गया, एक बढ़ गया, ये क्या हो गया आपका 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, अब देखो 8 में से तो वन डायरेक्ट लेस हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा आप इसको कट देंगे, क्या आएगा यहाँ पर 7 आएगा। और उसके बाद में जो 9 है उसमें से आपको क्या करना है, जो 2 लेस करना है, तो क्या बचेगा, सॉरी सिर्फ तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो मेरे पास आएगा 27 और ये 889। तो इस तरह से जो आपने जो अपना सॉल्यूशन हो यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। तो अब देखो आप नेक्स्ट आगे इसके बाद में जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखिए आप, ये आपको दिखाने आ सकता नहीं है, बाकी ये आपको दिखाना है, इस पर जो डेस लगा रखे मैंने वो ये ब्रैकेट वगैरह आपको यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए जो आगे हम बात करें इसकी क्वेश्चन नंबर 4 की, तो देखो 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन आपका है ये आपका हावर मिनट और सेकंड वाला है, तो इसमें ध्यान रखना ये जो आपका यहाँ टेंस का नंबर है ना, ये मिनट वाला एक तो ये एक ही सेकंड वाला ये, इन दोनों का बेस्ट फ्रेंड हमेशा किससे निकलेगा, ध्यान रखना इनका बेस्ट फ्रेंड हमेशा आपका 6 से निकलेगा और बाकी सबका किससे निकलेगा 10 से। इन दो डिजिट का जो बेस्ट फ्रेंड है वो 6 से सोल्व होगा और बाकी सबका किससे सोल्व होगा आपका 10 से सोल्व होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी। क्यों रखनी है, देखो 60 मिनट होते हैं तो उसके बाद में कभी आपने देखा है कि 61 मिनट होते हैं, नहीं होते हैं ना, तो इसलिए जो आपको बेस्ट फ्रेंड वाली बात है वो 6 के हिसाब से देखनी है न कि 10 के हिसाब से। तो अब देखो सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पर आ रहा है ये 5 है, अपॉन में 7 आ रहा है और आप जानते हैं कि 5 में से 7 लेस नहीं हो सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो 7 है उसका बेस्ट फ्रेंड लेना पड़ेगा। तो इसका बेस्ट फ्रेंड क्या होता है, इसका 3 होता है, पता कैसे लगाओगे आप 10 माइनस 7 के द्वारा, यानी कितना आ रहा है 3, और 3 को आप क्या करेंगे 5 में ऐड करोगे। तो देखो इसमें भी आपको क्या करना है, इसका बेस्ट फ्रेंड माना क्या हो गया 3 हो गया, अब 3 को आपको इसमें 5 में ऐड करना है, तो कितने हो गए 8 हो गए। मैंने बोल दिया कि बेस्ट फ्रेंड केवल इन दो डिजिट का 6 से मानना है, बाकी सबका बेस्ट फ्रेंड किससे निकलेगा 10 से निकलेगा, ठीक है ना। अब इसमें बेस्ट फ्रेंड की शर्त लगाते हैं, यहाँ पर क्या होगा 5 का 6 हो गया। अब देखो 6 का बेस्ट फ्रेंड क्या होता है, 6 माइनस 6 यानी 0 होता है,
क्योंकि मैंने बोल दिया इन दो का तो हमेशा 6 से बेस्ट फ्रेंड निकलेगा, ना कि 10 से, बाकी सबका क्या निकलेगा 10 से निकलेगा, ठीक है ना। तो इसका बेस्ट फ्रेंड क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 2 कितने हो गए, 2 हो गए। उसके बाद में अब इसमें आपका वापस क्या हो गया, 1 बट गया, क्योंकि आपने बेस्ट फ्रेंड की शर्त लगाई है। अब यहाँ पर हो गया 9। 9 का बेस्ट फ्रेंड क्या होता है, 1, और 1 को 6 में ऐड किया कितना हो गया, 7 हो गया। अब ये 7 होते आपके पास क्या आ गया, फिर इसमें इसमें जो है एक बढ़ गया। अब इसमें एक बढ़ते वापस क्या हो गया, 6 हो गया। अब 6 का बेस्ट फ्रेंड वापस क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, क्यों इसका 6 से निकलना है ना। 0 2 कितने हो गए, 2 हो गए। वापस इसमें फिर से एक बढ़ गया है, ये हो गए 9। अब 9 का बेस्ट फ्रेंड क्या होता है, 1 होता है, और 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। अब देखो उसके बाद देखिए इसमें आपका वापस मान क्या हो गया, यहाँ पर 1 से बढ़ गया, अभी 2 गए ये। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जब आप इसमें 2 लेस करोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 12 है, ठीक है ना। तो ये आपने भी इसको फाइंड कर लिया है सबट्रेट को किस मेथड से, जो वैदिक मेथड है उससे आपने इसको सोल्व कर लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हावर मिनट और सेकंड का प्रश्न आए तो इन दो डिजिट को हमेशा आपको 6 से बेस्ट फ्रेंड मान के चलना है, और बाकी सब में क्या मानना, आपको 10 से बेस्ट फ्रेंड है वो मान के चलना है। अब देखो हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको। अब देखो आप कुछ मल्टीपल पढ़ रहे हैं जिसमें आपका सबसे पहला मल्टीपल आ रहा है 5 नंबर का, जिसमें है 31, 1 अपॉन 6 इंटू 31, 5 अपॉन 6, और 6 नंबर क्वेश्चन में आ रहा है 103 इंटू 197। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, सूत्र एकाधिक प्रश्न का मल्टीपल करना है। तो आपको लिखना है बाई सूत्र एकाधिकेन पूर्वेणा। तो आप इनको बाई सूत्र एकाधिकेन पूर्वेणा से इनके क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसमें देखो तरीका ध्यान रखना है हमेशा, देखो इनमें पहले आपका फर्स्ट नंबर देखो दोनों में सेम होना चाहिए, दोनों में 31 सेम आ रहा है। अब देखो ये दोनों में क्या रहा है, डिफरेंट आ रहे हैं। अब जो इसको तो मानना आपको टेंस, इनको यूनिट टेंस और यूनिट। अब टेंस लिखना पहले आपको यहाँ पर सेम, और अब इसमें आपको 1 मोर करना है तो क्या हो गया, 32 हो गए। अब जो यूनिट है उन दोनों का लिखना आपको मल्टीपल। तो मेरे पास जो क्या आएगा, 31 को जब आपने 32 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 2 और 6, 3 और 9, तो 299 या 992, और यहाँ रहा 5/36। अब इससे आपके पास क्या देगा, 992/36। तो इस तरह से आप ये जो इसका मल्टीपल वो आप प्राप्त कर सकते हैं किस मेथड से, सूत्र एकाधिक यानी पूर्वेणा से। इसी तरह देखो अगर आपको 6 को सोल्व करना है इसको, तो इसमें देखो आपने ये मेथड लगा तो इसमें क्या होगा, देखो दोनों में सेम नंबर आ रहा है ये 1 वाला, ये दोनों हमारे डिफरेंट नंबर, ठीक है ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखना आपको। अब इसमें नियम क्या होता है, पहले आपका टेंस नंबर आएगा, यहाँ पर 1 आ गया, 1 से मोर किया तो 2 हो गया। अब यूनिट नंबर इसका 03, इसका क्या है 97, ठीक है। तो आ रहा है 2, इनको मल्टीपल करना आपको, तो 21 कैरी 2 और 29, अभी आ गया मेरे पास 20291। ये अभी आपने क्या कर लिया, इसका मल्टीपल वो प्राप्त कर लिया। ध्यान रखना इसमें आपके नंबर हैं वो जितने होते हैं वो पूरे एक पूरे यहाँ पर लिखे जाएंगे, इनमें कोई किसी को भी इधर उधर आपको भेजने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपने कौन सा मेथड पढ़ा, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से आपने ये मल्टीपल करना सीखा है। अब देखिए आगे आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अब नया मेथड पढ़ रहे हैं आप, कौन सा, निखिलम जो मेथड है वो आप सीख रहे हैं। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन में तो आपके पास आ रहा है 54 × 56, और 8 नंबर क्वेश्चन में आपके पास आ रहा है 108 × 112। इन दोनों को आपको किस मेथड से सोल्व करना है, निखिलम मेथड से सोल्व करना है। तो आपने लिखा यहाँ पर बाई निखिलम मेथड। अब देखो जब आप इसमें निखिलम मेथड लगाते हैं तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको मानना है बेस, और बेस आपने यहाँ पर क्या मान लिया, 10 मान लिया, क्यों नंबर 2 डिजिट का आपका। और यहाँ पर देखो सब बेस क्या हो जाएगा मेरे पास से, वो हो गया है 50, और उसके बाद में जो सब बेस की डिजिट है, डिजिट वो मेरे पास क्या आ गई है, 5 आ गई है। अब इसका देखो फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ तो आएगा मेरे पास नंबर, यहाँ पर आएगा डेविएशन, डेविएशन नंबर आपके पास है 54 और 56, डेविएशन आ रहा है +4 और +6। अब इसका तरीका देखो, इसके साथ सामने वाला नंबर ये नंबर आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर पहले आएगा सब बेस, सब बेस डिजिट मेरे पास क्या है, 5 है, फिर 54 + 6, इन दोनों का इधर आएगा मल्टीपल 4 × 6, तो ये 5 आ रहा है सेम,
ये मेरे पास क्या हो गया, अभी 60 हो गया है और ये आ रहा है 24। इनको मल्टीप्लाई कराया तो 300, ये 24। अब इसको आप इधर लाओ तो ये आ रहा है 302 और ये 4, ये आ रहा है 3024। तो ये आपने अभी क्या कर लिया है, इन दोनों का जो मल्टीपल है वो आपने प्राप्त कर लिया है। उसके बाद देखिए, अब आपको जो आगे इसका जो 8 नंबर पार्ट है उसको सॉल्व करना है। तो देखिए आप, अब देखो आप आगे पार्ट नंबर 8। तो देखो पार्ट नंबर 8 में देखो क्या हमारे पास, इसमें देखो ये दोनों बिल्कुल देखो सेम आ रहा है, ये दोनों का क्या रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो इसमें आपने क्या कर लिया, ये टेंस नंबर होगा, ये यूनिटी और ये टेंस और ये यूनिट। तो इसका फॉर्मूला देगा आपका 1 × 1 सेम और कर दिया आपने 2, फिर 08 × अच्छा आप इसमें निखिलम पढ़ रहे हो ना, हाँ निखिलम मेथड से। तो मैंने लिखा बाई निखिलम मेथड, बाई निखिलम मेथड। जब आप इसमें निखिलम मेथड लगाओगे तो इसमें आपको बेस मानना है क्या, बेस तो मेरे पास है 100 और यहाँ पर सब बेस आएगा नहीं सीधा, यहाँ नंबर आएगा, यहाँ आएगा डेविएशन और उसके बाद में नंबर द्वारा मेरे पास कितना 108 112 और डेविएशन मेरे पास क्या आएगा प्लस का 08 और प्लस का 12 है। अब देखो इसमें क्या करना है, सब बेस तो यहाँ पर आएगा नहीं, तो इसके साथ तो आएगा ये नंबर 108 प्लस 12 है, इधर आएगा मेरे पास 08 × 12 है। इनको देखो ऐड करने पर क्या हो गया, 120 हो गए और वो मेरे पास कितना आ गया 96 आ गए। आगे जीरो लगा लगा तो नहीं, कोई बात नहीं है। अब मैंने देखो देखना क्या है, यहाँ देखो इसमें दो जीरो तो इधर आपको नंबर 2 रखने, तो इस जीरो को तो कोई वैसे महत्व नहीं है, इधर आएगा तो भी दूर की 120 होने ही है। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया 12096, ये हो गया इन दोनों का मल्टीपल। अब आगे आप नेक्स्ट मेथड देखिए, सूत्र 1 ·99 पूर्वेण वाला। तो देखो अब आगे हम पढ़ रहे हैं कौन सा, सूत्र 1 ·99 पूर्वेण पढ़ रहे हैं। तो आ लेना बाई सूत्र 1 ·99 पूर्वेण। देखो इसमें क्या करना आपको, यहाँ पर इसका सीधा सा तरीका है कि इसमें एक शर्त है कि जो इधर वाले नंबर होंगे ना ये हमेशा आपके 9 की फॉर्म में आएंगे, चाहे 99 आए, 999 आए या 94 टाइम आए। देखो इसमें आप 22 सूत्र 1 का 99 पूर्वेण लगाएंगे तो इसमें क्या करना आपको, यानी शर्त यह कि जरा आपके पास 9 के अक्षर मिलेंगे आपको, चाहे 99 999 499 कैसे मिले थे। अब इसका रूल क्या है, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, 1 लेस करना है। अब बाद में जो नंबर बचेगा उसको आपको क्या करना है, इस नंबर में से लेस करना है, या 136 आएगा ना तो उसको इसमें से लेस करना है। ये 136 आ रहा है, अब इनको लेस करो तो 3 6 8 और 9। अब इनको डायरेक्ट जैसा का जैसा है वैसा का वैसा आप इसको लिख दो, ये आ गया इन दोनों का मल्टीपल। इसी तरह आप देखो इसमें 10 का देख लो आप, तो आपने लगाया 22 सूत्र 1 ·99 पूर्वेणा। इससे आपको क्या करना है, पहले 46 में से आप 1 लेस करोगे, उसके बाद 99 में से आपको 45 लेस करना है, ये आएगा 45 और वहाँ पर आएगा 4 और ये 5, यानी 4 5 और 5 4। तो ये आपने अभी पढ़ा है 22 सूत्र 1 ·99 से मल्टीप्लाई करना। तो ये आपने आज मल्टीप्लाई के कुल 3 मेथड सीखे हैं, बाकी हम अगला जो एक मेथड बचा है वो हम कल सीखेंगे, सूत्र उधर व तिरेक व्यायाम वाला, और इसके अलावा डिवाइड जो होता है वो हम कल सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।